हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। एंड इस वीडियो में हम देखेंगे किस तरीके से हम एक कूलिंग इफेक्ट बनाते हैं एक वाटर एंड स्मोक सिम के थ्रू। तो जैसे कि आप क्लिप में देख रहे हैं कि एक रॉक के ऊपर जैसे ही हम फ्लिप सिमुलेशन करते हैं तो वो एक कूलिंग फोम लेता है एंड उसमें से स्मोक जनरेट होता है। जैसे कि नॉर्मली आप किसी गर्म चीज़ के ऊपर पानी फेंक देंगे तो उसमें से स्मोक या स्टीम जनरेट होती है, उस टाइप से। तो इस इफेक्ट को देखेंगे कैसे बनाते हैं हूडनी में। एंड अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए एंड वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। ओके, तो ये एक बेसिक सा सेटअप है एंड इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा इस फाइल का। एंड यहाँ पे मैंने सबसे पहले एक जो हमारा रॉक था वो इंपोर्ट कराया है मैंने यहाँ पे, तो ये रहा वो। ओके, इसके बाद इसको क्या किया मैंने यहाँ पे इंपोर्ट कराया है इसके अंदर अपने सिम, जहाँ पे मैं अपनी सारी सिम कर रहा हूँ वहाँ पर मैंने इसको इंपोर्ट कराया एंड थोड़ा बहुत ट्रांसफॉर्म किया है सीन के अकॉर्डिंग। ठीक है, ये रहा कैमरा पे जाएंगे तो ये इस तरह से दिख रहा है। ठीक है, अगर कैमरा एनिमेशन है ये मैंने जो कर रखी है अभी, लेकिन इसमें कोई एनिमेशन नहीं क्योंकि यहाँ पे एनिमेशन है ही नहीं। ये जस्ट एक प्लेस किया है मैंने ग्राउंड के ऊपर के फील कराने के लिए, ग्राउंड के ऊपर गिरा हुआ है। तो यहाँ पे मैंने सिंपली एक डॉपनेट लिया है एंड उसके अंदर सेटअप किया है कि ग्राउंड के ऊपर गिरेगा। ये देखिए इस तरह से गिरा ग्राउंड के ऊपर एंड हमने उसको एक फ्रेम फ्रीज़ कर लिया जब वो रुक गया। ठीक है, यहाँ पर हमने वो टाइम फ्रीज़ किया एंड देन मैं लाइट ऑफ कर देता हूँ ये वाली। ओके, एंड यहाँ पे अब उसको एनिमेशन दिया, ये रही एक रोटेशन एनिमेशन एंड इस अप एनिमेशन दिया। ओके, उसके ऊपर बाद में हमने यहाँ पे कुछ नहीं किया और कोलिजन आउट कोलिजन निकाल दिया इसका एक नॉर्मल मटेरियल डाल के। ठीक है, इसके बाद सोर्सिंग की बात करें तो यहाँ पे कैमरा पे जाएंगे एंड यहाँ पे कैमरा से बाहर आ के देखेंगे। यहाँ पे मैंने एक स्फेयर लिया है हीरा और उसको ट्रांसफॉर्म किया है फ्लिप सोर्स के थ्रू। यहाँ पे मैंने फ्लिप सोर्स यूज़ किया, इसमें पार्टिकल सेपरेशन एंड वॉक्सल साइज मैंने सेम रखा एंड इसके बाद इसको मैंने नॉर्मली एक डॉप नेट के अंदर लिया यहाँ पे, जिसकी स्टार्ट फ्रेम मैंने थोड़ी सी आगे जाके लिए क्योंकि उसमें जो रॉक की एनिमेशन है वो थोड़ी सी डिले है। तो मैंने यहाँ पे क्या किया है इसको थोड़ा सा लेट स्टार्ट किया यहाँ से 15 फ्रेम। और यहाँ पे सबसे मेन चीज़ है इसमें कर्व फोर्स, अगर कर्व फोर्स नहीं होगी तो वो पत्थर से टकरा के ऊपर या नीचे जाएगा, वो एग्जैक्ट फॉर्म में नहीं जा पाएगा। तो इसलिए मैंने एक कर्व बनाई है यहाँ पे, अगर आप देखें तो ये रही एक कर्व है। नॉर्मली इसको थोड़ा सा स्मूथ वगैरह देके मैंने एक ये पाथ क्रिएट किया है। ठीक है, और इसको यूज़ किया है नॉर्मली पॉप फोर्स के थ्रू, जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं पॉप कर्व फोर्स है। ये देखिए मैं आपको शो ज्योमेट्री करूँ तो ये 15 फ्रेम से स्टार्ट होगा, 16 फ्रेम पर आके देखिए ये रहा। तो ये वो एक पाथ है जिसके ऊपर हमारा वाटर जाएगा और यहाँ पे पॉप फोर्स है नॉर्मल सी मोशन देने के लिए थोड़ा बहुत पानी को और यहाँ पे वॉल्यूम सोर्स लिया मैंने जो मैंने यहाँ पे क्रिएट किया था, इसको मैंने यहाँ पे कॉल कराया हीरा एंड यहाँ पे नॉर्मली सोर्स फ्लिप दे दिया और बाकी इसमें कुछ नहीं किया, वो जनरेट हो जाएगा। फ्लिप ऑब्जेक्ट में पार्टिकल सेपरेशन सेम रखा है जैसा कि बाहर है और यहाँ पे बाकी कोई चेंज नहीं किया हमने। ठीक है, स्टैटिक ऑब्जेक्ट अपने रॉक को लिया है हीरा, अगर मैं आपको अभी लाइव दिखाऊँ चला के इसको तो ये देखिए इस तरीके से चलेगा। ये देखिए तो ये जितने भी आप यहाँ पे देख सकते हैं कि फोर्स को अप्लाई करते हुए एक रोटेशन में दिखा रहे हैं क्योंकि इसमें एक एक्सिस फोर्स भी होता है कर्व फोर्स में, तो इसको घुमा भी रहा है हल्का सा रॉक से कोलाइड होके वो आगे जा रहा है क्योंकि वहाँ पे वो फोर्स अप्लाई हो रही है कर्व फोर्स की। अगर ऐसा नहीं होता तो वो पत्थर से टकरा के ऐसे भी जा सकता था, ऐसे भी जा सकता, वो फैल जाता, इसलिए हमने कर्व फोर्स लगाया कि वो बिल्कुल स्ट्रेट जाए। ठीक है, बाकी इसमें और कुछ नहीं है, मैंने इसको कॉल आउट कराया बाहर एंड यहाँ पर फ्लूइड कंप्रेस लगाया, वही पार्टिकल सेपरेशन देंगे। ये हमेशा यूज़ कीजिए अगर आप फ्लिप सिमुलेशन कर रहे हैं तो, ये आपके बहुत साइज़ बताती है, डिस्क साइज़ बहुत ही बचा लेगी। एंड उसको फिर मैंने कैश कर लिया, ये देखिए ये रहा एंड एक फ्रेम पे जाके उसको बंद भी कर दिया उसके एमिशन को। मैं यहाँ पे दिखाता हूँ कौन सा फ्रेम है, वो अबाउट मैंने इसको किया है यहाँ पर आप देख सकते हैं, तो मैंने इसको 95 बंद कर दिया है यहाँ पर की लगा के। इसके बाद मैंने इसको VDV में कन्वर्ट कर लिया है, उसको VDV में कन्वर्ट किया एंड देन उसको वापस से पॉलीगन में कन्वर्ट किया। ठीक है, उसको भी कैश कर लिया, हर चीज़ को कैश कीजिए क्योंकि वरना ये हैवी हो जाता है काफ़ी। इसके बाद अब स्मोक जनरेशन का सबसे मेन है कि स्मोक जनरेट कौन से सोर्स से होगी। स्मोक जनरेट होगी आपके लिक्विड की सरफेस से, क्योंकि अगर आप नॉर्मली उससे जनरेट करते हैं अपने रॉक से तो वो सही नहीं होगा क्योंकि ऊपर उसके लिक्विड है तो वो चीज़ निकलेगी नहीं। तो आपको लिक्विड से निकालनी है स्टीम। ठीक है, क्योंकि पानी एकदम से गर्म होता है, जब गर्म चीज़ के ऊपर कोई पानी जाता है तो पानी से एकदम से गर्म होता है और वो वेपर बन जाता है,
तो उस तरीके से इसमें सिमुलेशन होगी। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, जो अपना इस ये है रॉक है उसको यहाँ पे लिया है, एंड यहाँ पे दिखा क्यों नहीं रहा ये रॉक को, वो शायद एनिमेशन वाला पार्ट नहीं ले पा रहा है, ये वाला लेना कंट्रोल सी। तो ये रहा ठीक है, एंड फिर इसको थोड़ा सा पीक दे दिया नॉर्मली हमने, ठीक है। ये देखिए अब इस पे जैसे ही वाटर आपका टच करेगा तो वो एक ग्रुप में आ जाएगा, मैंने इसको एक ग्रुप दे दिया है। यहाँ पे देखिए इनेबल बाउंडिंग ऑब्जेक्ट, तो ये जैसे ही इसके कॉन्टैक्ट में आता है वाटर तो वो एक ग्रुप क्रिएट करेगा, ये देखिए इस तरह से। और इस ग्रुप को मैंने ब्लास्ट निकाल लिया करके, ये रहा, एंड फिर उस पर पायरो सोर्स डाला है, ठीक है, और उसको दे दिया डेंसिटी एंड टेम्परेचर स्मोक के लिए। बाकी उसमें नॉइस डाली है मैंने, एक नॉइस है इसमें, यहाँ पे मैं दिखाता हूँ आपको, इस टाइप की मैंने नॉइस जनरेट की है इसमें। और इसके बाद वॉल्यूम रेस्टराइज, ठीक है, मेन चीज़ जो होती है हमारी स्मोक से पहले। उसके बाद नॉर्मली इसको भी कैश कर लिया मैंने, इसको येरी, ठीक है, सोर्स को भी कैश कर लिया। उसके बाद पायरो सॉल्वर लगाया, पायरो सॉल्वर में वॉक्सल साइज कम किया है मैंने, एंड यहाँ पे सोर्सिंग मैंने 1 से लेके 96 तक रखी है, जहाँ तक मतलब मुझे चाहिए थी कि स्टीम निकले वहाँ तक रखी है इसको। और इसके बाद डिसिपेशन वगैरह सेम रखी है। शेप में मैंने डिस्टरबेंस को 5 दिया, टर्बुलेंस को 3, क्यों, ताकि वो थोड़ा सा दिखाए कि एकदम से निकल रही है, तो टर्बुलेंस वगैरह डिस्टरबेंस वगैरह वहाँ पे होना चाहिए। ओके, बाउंसी मैंने थोड़ी सी कम की है, डिफ़ॉल्ट 1 रहती है। बाकी मैंने इसमें कोई चेंज नहीं किया, इसको नॉर्मली कैश कर लिया, तो आप देख सकते हैं इस तरीके का ये स्मोक हमारी जनरेट हो रही है, ये रही, ठीक है, स्टीम हमारी जनरेट होगी इस तरह से। बाद में मैंने थोड़ी सी इसकी डेंसिटी कम की है 0.8 करके, और इसको कॉल आउट करा लिया। यहाँ पे अपना रॉक है, यहाँ पे अपनी ग्रिड है, लिक्विड, एंड यहाँ पे स्मोक, तीनों को कॉल आउट कराया है। एंड यहाँ पे इन सब की मैंने, अब देखोगे सैम्पलिंग, तो सॉरी मैंने शायद इसकी नहीं है, बाकी सबकी इनकी तीनों की सैम्पलिंग वेलोसिटी ब्लर है, बस इसकी नहीं है, ठीक है, क्योंकि ये ग्राउंड है। बाकी एक लाइट मैंने ऊपर यहाँ लगाई है, मैं दिखा देता हूँ कहाँ पे है ये लाइट, एक लाइट ये रही और एक लाइट ये रही, दोनों साइड पे लाइट है। एक इन्वायरमेंट लाइट लगाई है जिसमें मैंने एक मैप दिया, लेकिन उसकी इंटेंसिटी काफ़ी कम रखी है, वरना वो बहुत ही ब्राइट हो रहा था। उसके बाद बस कैमरा एनिमेशन है, जबकि मैंने मैनुअली किया। इसके बाद आते हैं कि रेंडर सेटिंग्स पे मैंने यहाँ पे, तो जो हमारा रॉक है और लिक्विड है और ग्राउंड है, मैंने उन तीनों को एक साथ रेंडर किया है यहाँ पे, ठीक है, और लेकिन जो स्मोक है हमने उसको अलग रेंडर किया है, ये देखिए स्मोक, और उसमें ये कर दिया हमने फोर्स मैट, मतलब एक तरीके से मैट कर दिया रॉक और लिक्विड को, क्योंकि ये दोनों को मैंने अलग अलग सैम्पलिंग पे निकाला है। अगर आप इसकी सैम्पलिंग देखेंगे 2:2 वरना तो बहुत हैवी जा रहा था, और इसकी सैम्पलिंग देखेंगे तो 5:5, ठीक है, तो इसलिए मैंने दोनों को अलग अलग निकाला है, एंड बाद में आफ्टर इफेक्ट्स या न्यूज़ में आप उसको मर्ज कर सकते हैं। तो यही था आज की इस वीडियो में, एंड आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए, एंड आपको कोई ट्यूटोरियल से रिलेटेड क्वेश्चन है या कोई ट्यूटोरियल आपको सजेस्ट करना है तो आप वो कमेंट में जाके कर सकते हैं। मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो के साथ, थैंक्स फॉर वॉचिंग।